दोस्तों बंका के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हमारे मशीन के साथ मिलने वाली सभी एसेसरीज के बारे में। देखिए, मशीन को शुरू करने के लिए कुछ एसेसरीज मशीन के साथ हम फ्री में देते हैं, स्टैंडर्ड देते हैं, और ये एसेसरीज के बगैर आप मशीन को शुरू नहीं कर सकते। लेकिन हमारे सेल्स इंजीनियर को कई बार ये क्वेरी होती है कि आप मशीन के साथ क्या क्या दे रहे हैं, या कस्टमर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या फोटोग्राफ चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी के रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इस एसेसरीज में सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सिर्फ बंका देता है और दूसरे मैन्युफैक्चरर नहीं देते हैं, ऐसे एसेसरीज से शुरू करते हैं, वो है वाइब्रेशन माउंटिंग पैड। ये एंटी वाइब्रेशन डंपिंग पैड जो है, ये वाइब्रेशन डंपिंग पैड जो है, उससे आपकी मशीन के कट लगाने की स्टेबिलिटी डबल हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और इसके ऊपर मशीन रख के इसके साथ कट लगाने का एक्सपीरियंस ही अलग है। इससे मशीन के ऊपर स्मूथनेस, बहुत शाइनी अच्छा फिनिशिंग मिलता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको लगाने के बाद आप मशीन का लेवलिंग कीजिए और मशीन का जो लेग है वो इसके ऊपर इस तरह से लग जाता है, और ऊपर से एक नट आता है जो इसके ऊपर क्लैंप होता है। तो नट और वॉशर इसके ऊपर क्लैंप हो करके इस ये वाइब्रेशन, और ये रबर का बना हुआ पीस है, देखिए आप ये इसको देख सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो एसेसरीज है वो है फाउंडेशन के बोल्ट। देखिए, ये जो फाउंडेशन के कुछ बोल्ट्स हैं, इसके बगैर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप सिविल वर्क कर रहे हैं मशीन के फाउंडेशन के लिए, तो ये लेने के लिए मार्केट में जाना पड़ेगा। देखिए, वैसे इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, और आपको पेट्रोल का खर्चा हो जाए या फिर आपके आसपास में ऐसे फाउंडेशन के बोल्ट मिलना कई बार इंटीरियर टेरिटरी में मुश्किल भी होता है। तो ये एक फाउंडेशन के बोल्ट है, इसको 16 इंच तक आपको ज़मीन में अंदर डालना है, और इससे मशीन जब अनबैलेंस जॉब को टर्न करता है उस वक्त स्टेबिलिटी बनाए रखता है। तो ये इसका काम है। अब तीसरा जो चीज़ है वो फाउंडेशन बोल्ट के रिलेटेड ही है। ये एक तरह से क्लैंपिंग बोल्ट है, ये लेग्स में लगते हैं, और लेग्स के ऊपर आप इससे दबाव बनाते हैं। थोड़ा दबाव बनाए रखना जरूरी है, ये एक तरह से क्लैंप है, और ये लेग पे दबाव बनाए रखता है। उससे वाइब्रेशन के वक्त रबर वाइब्रेशन का काम भी करता है, और इससे मशीन को सीजन इफेक्ट भी कम होता है, और आपके कट लगाने की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और कभी अनबैलेंस जॉब अगर आ गया तो मशीन अपनी जगह बदली ना कर दे, इसलिए एक क्लैंप बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये क्लैंप है। बंका आपको ऐसी कई एसेसरीज देता है, और जिसकी वजह से आपका बंका के मशीन के साथ एक्सपीरियंस अच्छा शुरू होता है। तो हम ये सब एसेसरीज इस तरह से देते हैं कि आपको मुश्किल कम से कम हो। तो ये तीन एसेसरीज के बाद जो चौथा एसेसरीज मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है ये बेल्ट। देखिए, ये क्लैंपिंग बेल्ट है। मशीन की बेड में से हम निकाल के इसको ऐसे ये लगता है, और इससे मशीन को हैंग करते वक्त बहुत ज़रूरी है। ये मशीन जब आपके फ्लोर पे आएगा तो ट्रांसपोर्ट में लगा हुआ रहेगा। ट्रांसपोर्ट में से जब आपको उठाना है, तो कई बार हमने देखा है कि जो आप क्रेन बुलाते हैं उसका जो लेबर है, मजदूर है, वो मशीन के ऐसे पार्ट के ऊपर क्लैंपिंग कर लेता है कि जिसकी वजह से कुछ डैमेज हो जाता है। तो हम ये बेल्ट ऑलरेडी इसके अंदर डाल के देते हैं, और वहीं से क्लेम करना है, जिससे कि आप जब मशीन को
अनलोड कर रहे हैं उस वक्त कुछ डैमेज ना हो जाए। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट एसेसरीज है जो हम फ्री में देते हैं और कॉस्टली भी है, ऐसा एसेसरीज है वो है ये क्विक चेन टूल पोर्ट। मेरा एक अलग से वीडियो है और क्विक चेन टूल पोर्ट से आपको क्या फ़ायदा होता है या कैसे आपका टाइम सेव करता है। एक क्विक चेन टूल पोर्ट के साथ 3 पीस होल्डर भी साथ में आते हैं और मैं जब तक समझता हूँ ऐसे कर और भी 6-7 होल्डर आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आपके ऑपरेटर को बार बार होल्डर बदली ना करना पड़े, उसका टाइम सेव होगा और काम करने में उसको मजा आएगा। तो आपको और भी होल्डर्स परचेज करने चाहिए हमसे, लेकिन हम स्टैंडर्ड 3 होल्डर तो देते हैं, जिसमें 1 होल्डर बोरिंग टूल को क्लेम करने के लिए है और 2 होल्डर है वो दूसरे साइड टूल या वी ग्रू जो भी आपको होल्ड करना है उसके लिए है। कई बार ट्रांसपोर्ट में जब मशीन आपके पास आता है तो वो आगे पीछे ऐसा होने की वजह से ऑयल लीकेज या अनलोड के वक्त अनबैलेंस होने की वजह से ऑयल निकल जाता है, उस वक्त गियरबॉक्स में फिर से ऑयल भरना होता है और आपके पास फैनल नहीं होता, तो ये आपको ऑयल भरने के लिए फैनल है जो रेडी दिया है। कोई ये गास्केट सीलेंट है, अगर कहीं अगर आपको कुछ डैमेज हो जाए तो फिर से सीलेंट लगा के इसको क्लेम करना पड़ेगा, तो यह सेफ्टी के लिए ये भी हमने दिया है। बाकी जो एसेसरीज है उसमें ये है वो बंका की टूल बैग है। देखिए वैसे तो टूल बैग जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ समझाना नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ कुछ पॉकेट दिए हैं, इस पॉकेट्स के अंदर आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि देखिए ये ऐसे चीज़ें आप रख सकते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं या कुछ इसमें रिप्लेस करना चाहते हैं उसके वक्त जो एसेसरीज चाहिए वो इसके अंदर आप ऐसे टूल्स रख सकते हैं। और ये हमने इसका नीचे का मजबूत इतना किया है कि शायद ये 10 साल तक ये ख़राब नहीं होगा, कितना भी हैवी आप क्लेम कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर आप मार्केट में स्टैनली का ऐसा बैग लेने के लिए जाएंगे तो ये टूल बैग शायद 1100-1200 रुपए का अमेज़ॉन पे मिलता है, तो ये टूल बैग भी हम मशीन के साथ फ्री में देते हैं। तो इस टूल बैग के बाद जो मुझे आपको एसेसरी समझाना है वो है कुछ स्पैनर्स। ये स्पैनर्स फिक्स स्पैनर एंड एलन की स्पैनर्स है कुछ, और इसके बगैर आप मशीन को ओपन नहीं कर पाएंगे, कुछ खोल नहीं पाएंगे, या एसेसरीज आपको जो भी लगानी है वो लगा नहीं पाएंगे। इसके बाद एक ऑयल का कैन है, और मशीन के ऊपर काम करते वक्त चिप्स गिरती रहती है तो चिप्स को हटाने के लिए एक कॉमन ब्रश दिया गया है जो ऑपरेटर को ज़रूरी है। एक ऑपरेटर की सहूलियत के लिए उसका आई का ग्लास है जिसको ऑपरेटर पहन लेता है तो उसे काम करते वक्त आसानी होती है। और उसके बाद है ऑपरेटर को पहनने के लिए एप्रन, ये एक एप्रन है, इसको ऑपरेटर अगर पहन लेता है तो उसके कपड़े ख़राब नहीं होते, बहुत इजी है पहनने के लिए। यहाँ पे क्लिप दिया गया है, इसको बहुत आसानी से जल्दी से ऑपरेटर निकाल भी सकता है और पहन भी सकता है, तो इस वजह से लोगों को ये बहुत पसंद है। और हमें फ़ोन करके कई बार एक्स्ट्रा भी सेल्स इंजीनियर को कह के कई लोग इसको एक्स्ट्रा भी मंगवाते हैं, तो ये एक एप्रन भी है। अब है मशीन लैम्प। देखिए मशीन लैम्प वैसे तो आपको लाइट्स होते हैं, ज़रूरत नहीं है ऑपरेटर को, लेकिन जब आप पाइप में बोरिंग कर रहे हैं और आपको अंदर देखना होता है तो मशीन लैम्प यहाँ पे कैरेज पे लगाना पड़ता है और यहाँ से वो लाइट अंदर फोकस करेगा, तो आपको ये बोरिंग के वक्त खासा ज़रूरी हो जाएगा, बहुत यूज़फुल है। देखिए अब जो एसेसरीज मैं आपको समझाने वाला हूँ वो एसेसरीज कोई खर्च नहीं है इसका, लेकिन एक वुडन का प्लेट है, ये वुडन का प्लेट है और इसको हम देते हैं
यहां पे जब आपको चेक रिलीज करना है, जब आपको चेक रिलीज करना है उस वक्त आपको ये जरूरी है, या फिर आप कभी कभार बड़े झोप इसके ऊपर लगाते हैं, हम एक ऐसा प्रोटेक्टर भी देते हैं बेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये फायर प्रूफ होता है और इसके ऊपर कितना ही कचरा, गर्म कचरा पड़े, इसको ये बिगड़ता नहीं है, उस तरह से ये लगाया जाता है और ये बेड को, बेड का लाइफ बढ़ाता है। तो ये वुडन प्लेट, उसके बाद जो एक्सेसरीज अब मैं आपको बता रहा हूँ वो है कैरेज टॉपर। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज है। देखिए ये कैरेज के ऊपर ऐसा लग जाता है, ये एक तरह से कैरेज का स्टॉपर है और आप इसको, इसमें 6 टेसन है तो आपका कैरेज यहां पे सर्टेन जगह पे आके रुकेगा। ये कैरेज का स्टॉपर है, ये बहुत टाइम बचाता है ऑपरेटर का। ये लोग कई मैन्युफैक्चरर ऐसे सब एसेसरीज, हमारे राइवल्स जो है वो ऐसी एसेसरीज नहीं देते हैं आपको, और ऐसी एसेसरीज आपको बहुत इम्पोर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। ये ऑपरेटर का सालों तक टाइम बचाती है। ऐसी एसेसरीज आप परचेज नहीं करते या लेना जब पसंद नहीं करते तो आपका नुकसान होता है। तो मेरा ये सुझाव है कि आप बंका की जो एसेसरीज ले रहे, जो फ्री में ले रहे, उसका एक कॉस्ट तय कीजिए और कितने रुपए का एक्सेसरीज आपको फ्री में मिल रहा है वो भी आपको सोचना है। अब जो एक्सेसरीज है उसमें ये चेंज गियर सेट है, ये तो आपको हर लोग हर मशीन के साथ लेना ही लेना है। मोटर के लिए पुल्ली है, ये वी बेल्ट है और ये चक को क्लेम करने के लिए एक चक प्लेट है। हम क्या क्या एक्सेसरीज देते हैं इसके लिए एक पूरा पैकिंग लिस्ट आपको मिलेगा और ये पैकिंग लिस्ट जो है वो इस तरह से आपको मिलेगा। ये पैकिंग लिस्ट आपको मिलने से आप क्या होगा कि आप कुछ, आपको डिलीवर होना भूल तो नहीं गए हैं, ये भी चेक कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा बात है, ये हैंड ग्लोव्स है, ये ऑपरेटर काम के वक्त पहन सकता है और ये एक ग्लोव्स भी हम देते हैं। देखिए ये ग्लोव्स है ना, उसके ऊपर डॉट्स बने हुए हैं तो कोई भी चीज़ को जब पकड़ता है तो वो हाथ से छूट ना जाए, ऐसे रबर के डॉट्स बने हुए हैं इसके ऊपर। तो ये हाथ के ग्लोव्स भी है। ऐसी बहुत सारी एक्सेसरीज बंका आपको, ये मोटर की प्लेट है, ये डेड सेंटर और उसका एडेप्टर है, ये MT5 का है। तो ये सब एक्सेसरीज के साथ बंका आप जल्दी से आप मशीन को शुरू कर सके ऐसा सब सेट देता है। ये था आज का मेरा वीडियो। आप हमारे साथ इसी तरह के वीडियो देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक का बटन दबा के सपोर्ट करना मत भूलिए। थैंक यू।